हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड, आई एम वेल. व्हाट अबाउट यू? हेलो सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू सविता पौडे एकेडमी. बच्चों, आज हम हिंदी के लेक्चर में सरस्वती, मैं और मेरा व्याकरण में से हमारी भाषा के बारे में जानेंगे. चैप्टर वन, हमारी भाषा. बच्चों, ये हमारा पहला लेसन है, पहला पाठ है ग्रामर का. हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज. तो बच्चों, लैंग्वेज पहले से सबको पता थी? नहीं. जो आदि मानव थे वो कैसे भाषा बोलते थे? मनुष्य भी एक प्राणी है, बट मनुष्य जैसा बुद्धिमान प्राणी कोई नहीं. बाकी जानवर जैसे आवाज निकालते हैं, वैसे ही आदि मानव भी अपने संकेतों से कुछ आवाज़ें निकाल के अपने समुदायों के साथ बातें करते थे. तो चलो, आज हम यही हमारी भाषा के बारे में जानेंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे एक औरत फ़ोन पे बात करे, यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. यहाँ पे आपको एक कुत्ता भी दिखेगा, बिल्ली भी दिखेगी. तो ये सब कैसे बात करते हैं? तो देखो, ये औरत है, वो फोन पे बोलकर, मतलब जो भी अपनी भाषा होती है वो दो तरह की होती है. एक तो लिखकर राइटिंग में, और दूसरी बोलकर, मतलब मौखिक, मुख से बोली जाने वाली. तो देखो, यहाँ पे दो चिड़िया है, तो वो कैसे भाषा बोलेगी? ची 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 ची. यस, जो स्पैरो है वो ची ची आवाज़ निकालेगी. और ये जो औरत हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो हेलो, कौन है, कैसे हो, ऐसे बोल रही है. मतलब वो बोल कर बात कर रही है. अभी यहाँ पे देखिए, ये जो मनुष्य दिखाई दे रहा है वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, मतलब रीड कर रहा है. ये जो बच्चे है वो कुछ खेल रही है. जब भी आप लोग पार्क में खेलने के लिए जाते हो तो आज क्या खेलने का? तो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, ऐसी बातें होती है ना, वैसे वो बोल रहे. मतलब वो भी, उनकी भी ऐसी भाषा है, वो बोलकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो. और ये जो बिल्ली है वो कैसे आवाज़ निकालेगी, कैसे बोलेगी? म्याओ म्याओ, उसे भूख लगती है, करती है ना म्याओ म्याओ. अभी एक कुत्ता है, कैसे बात करेगा? उसको एक ही साउंड पता है, भौ भौ, है ना. मतलब हर एक प्राणी का, ये जो संसार में हर एक प्राणी है, उसका कोई ना कोई आवाज़ साउंड रहता है, वही उनकी भाषा होती है. मनुष्य प्राणी एक ऐसा प्राणी है जो बोलकर अपनी बात बता सकता है, लिखकर अपनी बात बता सकता है. तो चलो, चलते हैं हमारे लेसन की तरफ. आज का हमारा व्याकरण का पहला पाठ है हमारी भाषा, अवर लैंग्वेज. तो देखिए, जुड़िए और समझिए. आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, चिड़िया है और उन्होंने कुछ पकड़ा है. यहाँ पे क्या रहेगा? लेटर. चलो चलो, चित्र देखकर लिखिए कि ये सभी अपनी बात कैसे समझा रहे हैं और
दूसरों की बात कैसे समझ रहे? कौन? यहाँ पे दो चित्र दिखाई दे रहे हो। अभी ये चिड़िया है वो चीची कर रही है। यहाँ पे जो औरत है या समझ लो कि ये जो बच्चे हैं इनमें से किसी की मदर भी हो सकती है, तो फ़ोन पे बात कर रही। हेलो, कौन है? अभी देखो ये जो लड़की है वो बोल रही है चलो खेलने चले। ये जो लड़का है वो बोल रहा है आज कौन सा खेल खेलेंगे। ये जो बच्ची है वो बोल रही है छुपन छुपाई खेले। अभी यहाँ पे एक कुत्ता है वो भौ भौ कर रहा है, और ये जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं आवाज़ करती है। तो इस तरह हमें बोला गया है कि चित्र देखकर लिखिए कि ये सब अपनी बात कैसे बताएंगे। तो देखो बच्चे कैसे बोलकर, औरत बोलकर, समझ लो कि मम्मी हैं, ओके, ये लेडीज़ बोलकर बात करेगी। और ये कैसे बात करेंगे? वो कुछ पढ़ रहे ना न्यूज़पेपर बुक, वो पढ़कर, कुत्ता एक साउंड निकाल कर बात करेगा भौ भौ, बिल्ली म्याओ म्याओ की साउंड निकाल कर बात करेगी। तो चलो बच्चे बोलकर, पिताजी पढ़कर, ए पिताजी है, ओके, माँ ए किसी की माँ है, माँ बोलकर फ़ोन पर बोल ही रही है ना, और पिताजी पढ़ रहे यहाँ पे। कुत्ता कैसे बात करेगा? भौ भौ करके। पक्षी कैसे बात करेंगे? कहाँ पे हैं? ऊपर साइड ची ची करके बात करेंगे। तो हमारी भाषा में कैसे बात की जाती है? कोई बोलता है, कोई पढ़ता है, कोई सुनता है, हाँ, और हर एक जानवर एनिमल, जो भी इंसेक्ट भी, छोटी सी चींटी भी, उनकी भी कुछ बातें रहती, हमें भी समझ में तो नहीं आती, बट हर एक की बातें होती है, हर एक की लैंग्वेज भाषा होती है। तो चलिए देखते हैं हमारे पाठ में क्या दिया है। बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। बच्चों, हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं और दूसरे की बात सुनते हैं। अगर हमें भाषा आती ही नहीं तो हम क्या करते? ये देखिए यहाँ पे एक बच्चा है और ये मेंढक के साथ बात कर रहा है। मान लो कि इस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है तो कैसे बात करेगा? कुछ आवाज़ निकाल के बात करेगा। अभी मेंढक कैसे डराव डराव की आवाज़ निकालता है तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि उसे क्या बात करनी है, बट वही उसकी बोली है, वही उसकी भाषा है। आपके फ्रेंड बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कहाँ पे गए थे, मेले में गए थे, उन्होंने क्या ख़रीदा, कौन सा नया खिलौना लिया, बोलते तो आपको समझ में आता है। तो कैसे समझ में आता है? आप सुनते हो और आपको समझ में आता है। सोचो अगर हम बोल नहीं पाते, हाँ, आदि मानव के जैसे अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता? कुछ समझ में नहीं आता। बच्चा मेंढक की टर टर को समझने की कोशिश कर रहा है, मेंढक कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कौन सी भाषा, वो टर टर की आवाज़ निकालता है, साउंड निकालता है, बट बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। बट जो भी मेंढक रहते हैं, उसके रिलेटिव रहते हैं, छोटे बड़े, उसके मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर, उनको ये सब समझ में आता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। देखो ये बच्चा है और सामने मेंढक बैठा है और मेंढक कुछ टर टर की आवाज़ निकाल रहा है,
बच्चा समझने की कोशिश करता है, बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता। अभी यहाँ पे देखो ये दो बच्चे हैं, वो रास्ते में चलते चलते एक दूसरे से टकरा गए। तो देखो बच्चे एक दूसरे को इशारा से कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी समझ लो कि वो बात कुछ जानते नहीं, बोलना नहीं जानते, कुछ भाषा नहीं जानते, तो वो कैसे इशारे करके एक दूसरे की बात जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कह नहीं पा रहे। देखो अगर उनको भाषा पता नहीं तो वो कैसे कहेंगे कि उसको क्या कहना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं समझ आएगा एक दूसरे को। इसलिए भाषा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखा बच्चों, भाषा के बिना हम किसी की बात न तो समझ पाते और न ही अपने मन की बात समझा पाते। हाँ, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर हम भाषा नहीं जानते तो। इस प्रकार हमने जाना कि हम भाषा की सहायता से अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप भाषा नहीं जानते तो इशारों से ही, कुछ संकेतों से ही बात करनी पड़ती, और किसी को आपकी बात समझ में नहीं आती कि आपको क्या तकलीफ है, आपको घूमने जाना है, आपको कुछ चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें एक दूसरे तक पहुंचाती है। बच्चों अभी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है ये तो हमने देख लिया, अभी इस भाषा के रूप हम देखेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, हम बोलते हैं और सुनते हैं, लिखते हैं। तो देखो भाषा दो तरह की होती है, पहले बोलकर मौखिक, मतलब जहाँ पे हम मुख से बोलते हैं उसको मौखिक कहा जाता है, या बोलकर, और लिखकर हम अपनी बात लिखकर भी सामने वाले को समझा सकते हैं। अगर हमें दूर के कोई रिश्तेदार से बात करनी है तो हम कैसे करते, आजकल तो फ़ोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, एसएमएस करते हैं, पर पुराने ज़माने में, पहले के दिनों में जब भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा मालूम नहीं थी, तभी खत लिखकर, पत्र लिखकर संदेश से मिलते थे, एसएमएस, मतलब जो भी बात है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, कभी आने वाले हैं, ये सब पत्र लिखकर पत्र में से भेजा जाता था। इसलिए उसे लिखित कहा जाता है, लिखित भाषा। और बोलकर, बोलकर कभी बोलकर हम सामने वाले को समझा सकते हैं, जब कि तो आपका दोस्त सामने है, ओके, तभी हम बोलकर समझा सकते हैं। बट आजकल तो वैसे भी हम फ़ोन से बात करके, कितने भी दूर आपके रिश्तेदार है, आपका फ्रेंड है, आप बोलकर, फ़ोन पे बोलकर उनसे बात कर सकते हैं। तो भाषा के रूप दो होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। भाषा के दो रूप होते हैं, बोलकर, लिखकर, या मौखिक और लिखित। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अपनी अध्यापिका को बताइए कि उनमें क्या हो रहा है। तो देखो चित्र देखते हैं हम यहाँ पे, ये कुछ है क्लास, यहाँ पे आपको शाम पट ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये है टीचर, ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो देखो एक बच्चा बोल रहा है, ये जो बच्चा है सामने वाला वो बोल रहा है और ये बच्चे सुन रहे है ना, तथा दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे। यह मौखिक भाषा है, मौखिक यानी मुख से निकला हुआ। तो जब भी टीचर हमें क्लास में पढ़ाती है, वो जो भी बोलती है हम ध्यान से सुनते हैं, तो हमें जो भी टॉपिक वो पढ़ा रही वो समझ में आता है। उसे कौन सी भाषा बोलेंगे,
मौखिक मतलब मुख से बोलने वाली, जो बोलकर समझाई जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये देखिए, ये परिभाषा है, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे कक्षा में ये टीचर है और ये बच्चे बैठे हैं, अध्यापिका लिख रही है, अभी ये जो अध्यापिका है वो लिख रही है शामपट पर, मतलब बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर भाषा के रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा बच्चों को समझा रही है। तो वो बच्चों को कैसे बता रही है, लिख कर, बोर्ड पर लिख कर, शाम पट पर लिख कर अपनी बात समझा रही है बच्चों को। तो ये भाषा का दूसरा रूप है, लिखित रूप, लिख कर समझा रही है ना, इसलिए अध्यापिका लिख रही है और उसे बच्चे पढ़ कर लिख रहे हैं। मतलब बच्चों को कभी समझ में आएगा, जो भी अध्यापिका शाम पट पर कुछ लिख रही है वो लिखकर लिखेगी भी और मुख से बोलेगी भी, मतलब समझाएगी भी। तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी कापी में लिखेंगे भी और जो लिखा हुआ है वो समझ लेंगे। कैसे, सुनकर। देखिए, अध्यापिका लिख रही है, लिखना मतलब लिखित भाषा, बच्चे उसे पढ़कर लिख रहे, वो भी लिख रहे, कैसे, पढ़कर, सुनकर लिख रहे, पढ़कर लिख रहे, यह लिखित भाषा है। लिखित यानी लिखा हुआ, आया बच्चों समझ में। तो लिखित भाषा की परिभाषा क्या है बच्चों, हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है। तो देखो, जीव जंतु को भी अपनी कुछ बोलियां है, तो आइए देखें किसकी कौन सी बोली है। मेंढक टर-टर आवाज निकालता है, ये उसकी बोली है, भाषा है। कुत्ता भौं-भौं करता है, ये उसकी भाषा है। बकरी मैं-मैं करती है, ये उसकी भाषा है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ये उसकी भाषा है। बतख क्वैक क्वैक करता है, ये उसकी भाषा है। मोर पीहू पीहू करता है, यही उसकी भाषा है। इन सभी को मनुष्य जैसा, हमारे जैसा बोलने को लिखने को नहीं आता, उनको एक ही भाषा पता है, एक ही साउंड निकालते हैं बोलकर। उनकी कौन से टाइप की भाषा रहती है, बोलकर, क्योंकि वो एक ही साउंड निकालते हैं, वो लिखना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य प्राणी जैसे वो टैलेंटेड है ही नहीं। पूरे धरती पर मनुष्य इतना होशियार, बुद्धिमान कोई नहीं। चलो आगे देखते हैं, कोयल क्या करती है, कौन सी बोली बोलती है, कैसे साउंड निकालती है, कूकती है, कोयल कूकती है। हाथी चिंघाड़ता है, चिड़िया ची ची करती है, कबूतर गुटरगू करता है, शेर दहाड़ता है, दहाड़ता है ना, तो सभी बाकी के जानवर डरते हैं। गाय रंभाती है, गाय को जब भी भूख लगती है, प्यास लगती है, तो रंभाती है। तो चलो बच्चों, फिर से आखिर में एक बार जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं उसको एक बार दोहराते हैं, आओ दोहराए। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा क्यों इम्पोर्टेंट है, भाषा है इसलिए तुम टीचर की बात समझ सकते हो, सुन सकते हो, आके जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी बात आप सुन सकते हो,
उनके साथ बातचीत कर सकते हो। जब भी पार्क में खेलने के लिए जाओगे तभी बिना बोले कैसे खेलोगे, इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी हम बोलते हैं लिखते हैं वो भाषा है, अपनी बात दूसरों को बताते हैं, अपनी माँ को बताते, घर जाके बोलते हो ना टीचर ने हमें क्या क्या सिखाया, आज बहुत मज़ा आया, आज ड्राइंग किया, आज एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा था। ऐसे जो भी पूरा दिन का जो भी आप वर्णन करते हो तो बिना भाषा के कैसे करोगे, नहीं ना। तो जब भी खुश होते हो तो मम्मा को बोलते हो, जब भी आपको कुछ चाहिए तो भाषा के बिना तो ये सरल नहीं है। संकेतों से कुछ आवाज़ें निकाल के तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए भाषा हमें एक दूसरे को समझने का मौका देती है। हम एक दूसरे को समझते हैं, मम्मी को पता चलता है कि आपको कुछ तकलीफ़ है, आपको प्यास लगी है, आपको कुछ खाना है। आपको पता है जब भी एकदम छोटा बच्चा रहता है 1 मंथ का, 1 महीने का, 1 वीक का, 5 दिन का, 10 दिन का, उसको कुछ पता नहीं रहता भाषा के बारे में। उसको भूख लगी है तो रोता है, कभी कभी छोटा बच्चा स्माइल भी करता है, छोटा उनको कुछ पता नहीं रहता भाषा के बारे में, बट वो मम्मी समझ जाती है उसके संकेतों से। बट वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसे संकेत करेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि उसको स्कूल जाना है, उसे क्या चाहिए, कुछ तकलीफ है, उसे किस बात की खुशी है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा से ही हम एक दूसरे के मन की बात जो भी भाव है वो समझ जाते हैं। अभी भाषा के दो रूप होते तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी हम बाहर निकलते हैं डेली, तो सब के साथ कैसे रहते पूरे दिन बोलते हैं, जो भी ऑफिस में जाते हैं, जो आप स्कूल में जाते हो, आप बच्चों के साथ बात करते हो, टीचर आपके साथ बात करती है, मतलब मौखिक, और टीचर बोर्ड पर लिखते हैं, आप अपनी नोटबुक में लिखते हो, तो ये लिखित, मतलब भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संसार में सभी जीव जंतु की अपनी बोलियाँ होती है, और हमने पढ़ा है कि मनुष्य प्राणी ही सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि उसको लिखना भी आता है, उसको समझना, सोचना, ये जो भाव उसके पास है, वो स्कूल जाता है, पढ़ता है, कुछ रिसर्च करता है, ये सब बाकी के जीव जंतु नहीं कर सकते। वो बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब खाना, सोना, खाना ढूंढना, जब भी भूख लगती है वही उनका काम रहता है। उनको कभी भी कुछ तकलीफ है तो वो ढूंढते हैं अपने आप भी, मतलब उनको पता रहता है कि अभी देखो अगर कुत्ते के पेट में दर्द है तो ऐसे उस दिन कुछ खाएगा नहीं, वो घास खाता है जो हरी हरी रहती है वही, मतलब बाकी के जीव जंतु है उनको लिखना नहीं आता, उनकी एक बोली रहती है, एक आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि कुत्ता भौं भौं करता है, बकरी मैं मैं करती है, मेंढक टर टर करता है, गाय रंभाती है, हाँ उसको गाय को भूख लगती है रंभाती है, शेर शेर को भूख लगती है तो दहाड़ता है, तो सारा जंगल शांत हो जाता है, सब जानवर
भाग खड़े हो जाते। ऐसे हर किसी का, हर जीव जंतु की एक बोली होती है, एक ही आवाज़ वो निकाल सकते हो, उनकी लिखित भाषा नहीं होती। और हमारे जैसे मौखिक भी, मतलब वो बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। चलो आगे आओ, एक एक्टिविटी करते हैं। ज़रा बताइए तो, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं? बोलकर या लिखकर? टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? बोलकर। टेलीफोन पर लिख तो नहीं सकते, बोलकर ही भाषा, मतलब हम अपने फ्रेंड के साथ टेलीफोन पर बोलेंगे ही ना, लिखकर उनको कुछ समझ में नहीं आए, कहाँ लिखेंगे, टेलीफोन पर नहीं। तो टेलीफोन पर भाषा का रूप है जो मौखिक, उसका प्रयोग हम करते हैं, है ना। और हम अपनी बात की, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर, लिखकर। अगर नज़दीक है तो बोलते हैं, दूर है तो उसे उसके साथ, आजकल तो उसके साथ बोल भी सकते हैं, कैसे, फ़ोन से या व्हाट्सएप करते हैं। बट पहले के ज़माने में खत लिखते थे, लिखकर समझाई जाती थी बातें। आगे, लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते लिखते हैं तो लिखित, लिखित भाषा का जो रूप है उसका प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा हमारा स्किल डेवलप होता है? रीडिंग स्किल, वाचन कौशल्य। तो आइए आगे देखते हैं। अब लिखे सही, सही के लिए ये टिक मार्क करनी है, या गलत, उसके लिए गलत टिक मार्क करनी है, क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, अपने बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती, होती है। बिना भाषा के हम अपनी बात दूसरों को कैसे बताएंगे? इशारों से, संकेतों से, कुछ आवाज़ निकाल के सामने वालों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। आगे, भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, ये सही है, ये वाली टिक करने यहाँ पे। मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, ये भी सही है, मौखिक मतलब मुख से हम बोलते हैं, ये सही है। आगे, गाय चिंघाड़कर अपने मन की बात बताती है, ये तो गलत है, ये गलत यहाँ पे साइन करना है। क्यों? क्योंकि गाय तो रंभाती है, चिंगाड़ती नहीं। तो बच्चों, कौन चिंगाड़ता है, याद है? हाथी चिंगाड़ता है, गाय रंभाती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा लेखन कौशल्य नज़र आता है। बच्चों चलो अभी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। नीचे भाषा के दोनों रूपों के चित्र दिए गए हैं। चित्रों के नीचे लिखिए कि वहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। अभी देखो, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है कंप्यूटर के सामने, और क्या कर रहा है वो, कुछ रीड कर रहा है। कंप्यूटर है या टीवी है, यहाँ पे कीबोर्ड नहीं दिखा दे रहा है, मतलब इस बच्चे के हाथ में रिमोट है और ये टेलीविज़न है, टीवी है। तो ये बच्चा कुछ कार्टून या कुछ देख रहा है, मतलब वो मौखिक है, है वो देख रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये बच्चा लिख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मतलब ये लिखित है, लिखित भाषा का रूप यहाँ पे है, यहाँ पे मौखिक और यहाँ पे लिखित लिखना है। अभी देखिए, ये लड़की अपने मम्मी के साथ कैसे बात कर रही, बात कर रही है ना, मतलब मुख से बोल रही, मतलब मौखिक है ना, वेरी गुड। अभी यहाँ पे एक है कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे माउस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बच्चा कुछ टाइप कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, मतलब टाइपिंग करना, मतलब राइटिंग कर रहा है, तो ये है लिखित, लिखित। तो चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। हम डैश डैश अपनी बात समझाते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, टर टर,
सुनकर कुहू कुहू बोलकर। तो हम बोलकर ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा, हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। दूसरे डैश डैश हमारे बात समझते हैं, कैसे दूसरे सुनते हैं, हम बोलते हैं, आप बोलते हो तो आपके फ्रेंड सुनते हैं ना, मतलब आप बोलते हो कि मैंने कल का क्वेश्चन जो दिया था मैम ने उसका आंसर लिखा, तो सामने वाला सुनता है, मतलब उसे बात समझ में आती है, मतलब दूसरे सुनकर हमारी बात समझते हैं। बात का है गवन, कोयल डैश डैश करती है, क्या करती है कोयल, कौन सा साउंड निकालती है, कैसी उसकी बोली है, कुहू कुहू, ये यहाँ पे लिखना है। अभी मेंढक की कौन सी बोली है, कौन सा साउंड निकालता है, टर 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 टर, मेंढक टर टर करता है, ये उसकी बोली है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, चित्रों के अनुसार बोलियों का मिलान कीजिए। अभी यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और बीच में कुछ आवाज़ें बोलियाँ दी है, तो देखो बच्चों ये है बकरी, ये है तोता और ये कुत्ता है, ये बतख, ये बिल्ली और ये घोड़ा, तो उनकी जो भी बोलियाँ हैं बीच में दी है उसे हमें मैच करना है, मिलान करना है। तो बकरी मैं का साउंड करती है, तो लास्ट से सेकंड वन मैं, तो यहाँ पे हमें मिलान करना है, मैच करना है। ये है तोता, तो तोता टै टै करता है, तो यहाँ पे मैच करना है। कुत्ता भौ भौ करता है, भौ भौ साउंड यहाँ पे है, ये उसकी बोली है, यहाँ पे मिलान करना है, मैच करना है। अभी ये क्रॉ है, तो ये कौन सी साउंड करेगा, काऊ काऊ की साउंड करेगा। फिर म्याओ म्याओ कौन करेगा साउंड, बिल्ली। और ये जो हॉर्स है घोड़ा, वो हिन हिनाना, वो यही साउंड करेगा, वैसे ही आवाज़ वो निकालेगा, इसलिए वहाँ पे हमें मैच करना है। तो चलो आगे देखिए, ज़रा सोचिए। तो हम अभी हमने पार्ट तो पढ़ा है भाषा के बारे में, हम परिचित हो गए, तो देखो हमें थिंकिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है, मतलब यहाँ पे हमारा चिंतन कौशल्य समझ में आएगा कि हम कुछ सोच कर बात कैसे समझा सकते हैं। तो यदि भाषा न होती तो आप अपनी बात कैसे समझाते, कुछ इशारे करके कुछ आवाज़ निकाल के समझाते ना, वैसे ही ये क्वेश्चन है मान लो, और आप ये बताओ कमेंट में, यदि भाषा ना होती तो आप अपनी बात कैसे समझाते अपनी मम्मी को, आपके फ्रेंड को। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं भाषा ना होती तो कुछ आवाज़ निकाल कर, जैसे कि जीव जंतुओं की बोली होती है वैसे कुछ आवाज़ निकालते हैं हम लोग भी, है ना, कुछ संकेत करके, इशारे करके, हाथ से दिखा के, ऐसे हम अपनी बात सामने वाले को समझाने का प्रयत्न करते। नेक्स्ट है यातायात अधिकारी गाड़ी चलाने वाले को अपनी बात कैसे समझाता है। दूसरा है यातायात अधिकारी गाड़ी चलाने वाले को अपनी बात कैसे समझाता है, इशारे करके समझाता है ना, हाथ ऊपर नीचे करके, सीटी बजा के, हाँ वो वहाँ तो बोलता नहीं, दिन भर कितना बोलेगा वो लेफ्ट साइड राइट साइड हाथ करके, सीटी बजा के, उनको इशारों से हाथ दिखा के स्टॉप करते हैं, जाने के लिए सिग्नल देते हैं हाथ से ही, और साथ में सीटी भी बजाते हैं। आप यातायात अधिकारी मतलब आपको पता है, ट्रैफिक हवालदार, यस। आप दूर खड़े मित्र को कैसे बुलाएंगे, आवाज़ देकर ही बुलाएंगे, दूर खड़ा कोई मित्र है उसको लिखकर तो कैसे बताएंगे, उसको समझ में नहीं आया, आवाज़ देंगे तो वो जर्ज से देखेगा और उसको पता चलेगा कि आप बुला रहे, मतलब आप अच्छे से सोच विचार करके क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो।
इस पॉइंट पर आपका चिंतन कौशल्य समझ में आएगा, जब ही अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आए तो। अभी नेक्स्ट सेक्शन है करके देखिए, मतलब कुछ एक्टिविटीज है कि वो करके हमें देखना है कि क्या उसका परिणाम निकलता है। कक्षा में छात्रों को दो दो के दल में विभाजित करें, ये तो टीचर्स के लिए है अनुभव आधारित। अब एक दल का एक बच्चा संकेत द्वारा अपनी बात दूसरे बच्चों को समझाएगा, समझाने का प्रयास करे तथा दूसरा बच्चा बोलकर बताए कि वह क्या कहना चाहता है। तो एक गेम है, एक एक्टिविटी है, आपकी हिंदी टीचर आपकी क्लास में ये एक्टिविटी ले लेंगी, पूरे क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड करेगी और इशारों से ही आपको आपकी बात बतानी है। नेक्स्ट है सेक्शन जीवन मूल्य। यस, हम इस पाठ से क्या सीखे, कौन सा मैसेज हमने इसमें से लिया, क्या सीख हमें इस पाठ से मिली। तो जीवन मूल्य हमें क्या पता चला कि भाषा तो बहुत इम्पॉर्टेंट, बिना भाषा के हम एक दूसरे की बात दूसरे किसी को समझा नहीं सकते। समझ लो, सोच लो, भाषा नहीं होते तो क्या होता आज। ऐसे सोच लो कि तीन दिन, बस तीन दिन आपको भाषा पता ही नहीं, आप घर जाओगे और आपके मम्मी पापा सभी फैमिली मेंबर को बोलोगे कि हमें भाषा पता ही नहीं, ऐसे हमें तीन दिन रहना है, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, रह नहीं सकते बिना बोले, संकेतों से कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरी फैमिली में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम इस पार्ट से क्या सीखते हैं कि भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है और यह अवसर हमें बाकी जीव जंतुओं को मिला नहीं है। लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब हम पढ़कर बड़े बनते हैं। आप लोग बहुत पढ़ाई करो और आप पढ़कर इस देश का अच्छा नागरिक बनो, जो जीव जंतुओं को यह अवसर नहीं मिलता। देखिए, कौवे और कोयल की पहचान उनकी बोली से ही होती। यस, वैसे ही हमें पता चलता है कि कौवा काव काव की आवाज़ निकालता है, कोयल कुहू कुहू ऐसी मीठी प्यारी आवाज़ निकालती है, तो हमें उनकी बोली से पता चलता है। मीठा बोलने वाली कोयल सबके मन को भाती है और कड़वा बोलने वाला कौवे को सभी दूर भगाते हैं। सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए, यही इस पाठ से हम जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। तो बच्चों, हमें अवसर दिया, हमें ऐसे बनाया है भगवान ने, हम ऐसे बने हैं कि हम पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बने, सबके साथ प्यार से अच्छे से रहे, कभी भी झगड़ा नहीं करना अपने दोस्तों के साथ, मीठी बोली बोलो और अच्छे से पढ़ो, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। और बच्चों, हमेशा कोयल की जैसी मीठी बोली अपनी वाणी में रहनी चाहिए, तो आप सबके लाडले हो जाओगे, देश का एक उत्कृष्ट नागरिक बनो और देश को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, व्याकरण का ये अपना पहला पाठ, हमारी भाषा आपको यूज़फुल रहेगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आप सभी का मन से धन्यवाद करती हूँ।